कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जनप्रतिनिधियों की आयु व शैक्षिक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। उन्हें भी सिर्फ एक बार ही पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे सभी को रिटायर होने के बाद मिलती है। ये वे सवाल हैं जो लोगों के मन मस्तिष्क में दाहे बगाए कौंधते रहते हैं। लेकिन दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 73 साल की उम्र में देश के PM नरेंद्र मोदी के रिटायर होने संबंधी बयान देकर शांत तालाब में पत्थर फेंक दिया है। आज फर्स्ट बाइट .tv ने उन लोगों से बात की जो अपने जिंदगी के 6 दशक पार कर चुके हैं। उन्होंने एक स्वर में शैक्षिक योग्यता व पेंशन आम लोगों की ही तर्ज पर जनप्रतिनिधियों को मिलने व एक उम्र बाद सेवानिवृत्ति होना आवश्यक बताया, ताकि युवा आगे आ सके। लेकिन इस नियम से देश के PM नरेंद्र मोदी को छूट देने की पैरवी भी करते नजर आए। जिन लोगों से फर्स्ट बाइट .tv ने आज सिलसिलेवार तमाम मुद्दों पर बात की, वे सभी क्लब 60 से जुड़े हुए हैं। वह क्लब जिसका उल्लेख देश के PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान भी किया था। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है क्लब 60 के सदस्यों का। अभी हाल ही में दिल्ली के CM केजरीवाल ने ये कहा है कि 73 साल में PM मोदी भी रिटायर हो जाएंगे, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे केजरीवाल की टिप्पणी पे कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से मैं ये जरूर कहूँगा कि जो ये हमारे विधानसभाओं के सदस्य हैं या संसद के राज्यसभा के जो भी जनप्रतिनिधित्व कानून में आते हैं और मासिक भत्ता लेते हैं वेतन की जगह और रिटायरमेंट पे पेंशन लेते हैं, तो ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये जनसेवक नहीं हैं। इसलिए इनकी भी शैक्षिक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट, और इनकी आयु भी सेवानिवृत्ति की होनी चाहिए। जैसे 60 और 65 सरकारी कर्मचारी की है तो इनकी भी 65 साल निर्धारित होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो युवा नेतृत्व है उसे आगे आने का मौका मिलेगा, और जो शिथिल हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिन पे बाल सफ़ेद हो गए, उनको घर बैठ के आराम करो, जीवन भर आपने खूब जनता की सेवा कर ली। तो मेरा एक विचार, केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे मोदी जी से कोई लेना देना, लेकिन एक नागरिक की हैसियत में ये हमारे देश के अंदर बहुत ज़रूरी है और इसकी सब नागरिकों को मांग उठानी चाहिए और जो सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें उस पर एक्शन लेना चाहिए। कुल मिलाकर आपने केजरीवाल की बात पर मोहर लगा दी है। हाँ, अब इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, मोदी रिटायर होने चाहिए। हाँ, क्योंकि एक दिन रिटायर तो केजरीवाल भी होंगे। नहीं, मेरा मोदी जी वो तो मैं सब पर, जब जिस दिन से वो कानून बनेगा तो उस दिन से सभी लोग आएंगे ना। तो मैंने आपको बताया कि मुझे नाकाऊ से दोस्ती, नाकाऊ से बैर। भाई जो 65 वर्ष का हो गया उसको एक तरफ, जो हमारे 35 साल के युवा हैं जो देख रहे हैं टकटकी लगा के कि हमें भी कभी मौका मिलेगा, उन्हें आके आने का अवसर मिलेगा। अगर एक सरकारी कर्मचारी रिटायर नहीं होगा, उसको एक्सटेंशन 6 महीने का मिलता, तो नए बेरोजगार कहाँ जाएंगे बेचारे। तो ये सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए। क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, नेता भी वेतन पाते हैं और भत्ता पाते हैं और पेंशन पाते हैं, सरकारी सुविधाएं, तो वो जनसेवक कहाँ रहे, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, उन्हें उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन करने वाले चूंकि वो ही हैं, तो इसलिए अभी तक इसका पालन नहीं हुआ, जो कि उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी होगी वो करेगी, जनहित में, देश हित इसी में। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो इस तरह से नियमों में बदलाव ला सकता है? मेरी 70 साल की उम्र है और मैं देख रहा हूँ पिछले सरकार में क्या हाल था। कटोरा लिए वर्ल्ड बैंक पर खड़े रहते थे, कोई डिसीजन नहीं लेते थे, ना बोलते थे, प्रधानमंत्री 15 साल तक रहे, मुंह सिले अपना जो पीछे से फाइल आ गई। एक आदमी पे मेरी पूरी आशा है, मोदी नरेंद्र जिसका नाम है, उसने जितने निर्णय लिए हैं सारे के सारे अतुलनीय हैं, अनुपम हैं और कोई ले नहीं सकता। पूरे विश्व इस बात को मानता, मैं अकेला कहने के लिए नहीं हूँ, जो भारत का जो प्रतिनिधित्व और जो भारत की साख पूरे देश में बढ़ी है और जो भारत की आर्थिक स्थिति ऊपर गई है, ये उसके निर्णयों का ही नतीजा है। और मुझे केवल नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो इस आने वाले समय में कई ऐसे चौंकाऊ निर्णय लेंगे। आप देखिएगा और अपने चैनल पर चलाइएगा।
सरकार आ रही है? बिल्कुल 100% सरकार आएगी और 400 के पार वाली आएगी, जिसमें राज्यसभा की पावर भी उनके पास होगी, क्योंकि क्रांतिकारी परिवर्तन तभी होंगे। कितना सहमत हैं आप सर की बात से? बिल्कुल ठीक है, जब हर पर राज्यसभा और लोकसभा का पूरा बहुमत आ जाएगा तभी कुछ निर्णय ले सकेंगे देश के लिए। आपको लगता है कि बीजेपी ही राष्ट्रहित में कार्य कर रही है? बिल्कुल, इससे पहले की गवर्नमेंट कांग्रेस ने बिल्कुल तुष्टिकरण कर रहा है बिल्कुल, अब मोदी जी लगे हुए हैं और उन्होंने जैसे राम मंदिर बनाया, लगे हुए अपने प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग सबको लेकर चल रहे हैं एक साथ। रोजगार को लेकर के क्या है? देखिए रोजगार तो अब भी है, जो लोग मेहनत करते हैं वो अब भी नौकरी लग रही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे कुछ करेंगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी, ये समस्या। जो लोग पढ़े लिखे हैं और जिनमें गुण है वो कर रहे हैं नौकरी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने तो सभी निकाल रहे हैं, इतनी छोटी छोटी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें बहुत लोग लगे हुए लग रहे हैं नौकरी कर रहे हैं। विदेश वाला बोला था राजा जी, आप बराबर ये कहा जा रहा है कि विदेशों में मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का डंका बजता है, पहले भारतीयों को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता था जिस तरह से आज देख रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए मैं प्रत्यक्ष रूप से इस बात का साक्षी हूँ, मैंने वो स्थिति देखी है। मैं 2005 से बल्कि उससे पहले से भी विदेश जाता रहा हूँ, मुझे शौक है घूमने का। तो वहाँ इंडियंस को बिल्कुल ऐसा समझा जाता था, बिल्कुल हीन भावना वाली स्थिति होती थी हम लोगों की। और अब जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने एक स्थिति बनाई है, उस समय विदेशों में जाके ऐसा लगता है हम सीना चौड़ा करके चलते हैं और सब बच्चों से बात करते हैं, सब बच्चों को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जो भी मीटिंग करते हैं, उसमें कितनी अपार भीड़ इकट्ठी होती है, उन लोगों को ताज्जुब होता है इस बात के ऊपर कि मोदी कितना लोकप्रिय है, कितना डिसीजन लेने वाला बंदा है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो रशिया में और उसमें यूक्रेन में युद्ध हुआ है, उसमें मोदी की वजह से वहाँ के इंडियंस बच्चे सब, दोनों देशों ने अपना युद्ध बंद किया, कार पे इंडियन फ्लैग देख के, चाहे उसमें पाकिस्तानी बैठा है, बांग्लादेशी बैठा है, चाहे इंडियन बैठा है, सबको आने दिया, उसके बाद युद्ध शुरू करा। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इससे ही महसूस होता है कि विदेशों में हमारी क्या स्थिति है और विदेशों में हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या स्थिति है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार किया है कि युद्ध रोका गया। नहीं, कौन सा युद्ध रोका गया? यूक्रेन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, भाई हम तो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, हमें तो ये नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर में बाकायदा उनके फोटो दिखाए गए और टीवी में दिखाया गया है कि उनकी गाड़ी के ऊपर देश का झंडा लगा हुआ है और दोनों तरफ से कोई उनके ऊपर बम नहीं गिरा, कोई गोली नहीं चली। तो मैं तो समझता हूँ ये पता नहीं विदेश मंत्रालय ने कैसे कहा। नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मोदी ने रिक्वेस्ट की है, पुतिन से रिक्वेस्ट की है और यूक्रेन वालों से भी। आप कह रहे हो कि मोदी का डंका विदेशों में बज रहा है, तो ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन जीत नहीं पाए। देखिए अकेले इंडियंस तो नहीं जिता सकते, अकेले ये तो नहीं है कि इंडियंस वहाँ पे मान लिया 2-3 करोड़ है वही जिता देंगे, बाकी और भी लोग हैं। लेकिन ये है मोदी जी बात में आवाज है और मोदी जो भी कहेंगे वो सब करेंगे, ये हम जाके वहां महसूस करते हैं। अभी मैं बताऊं, रिसेंटली सिडनी में एक एरिया है पैरामेटा, उसमें इंडियंस बहुत रहते हैं। मोदी जी ने वहां से एक रैली निकाली थी, एक निकले थे वहां से, इंडियंस ने बुलाया था और कितनी सफल थी वो, चारों तरफ इंडियंस दिखाई दे रहे थे और वहां की गवर्नमेंट ने उसको मिनी इंडिया करके नाम दे दिया उस जगह को। ये कितनी बड़ी उपलब्धि, कौन देता है अपने देश में, आप करके देख लो। और उसके बाद वहां बहुत ही मतलब डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ का प्रीमियर जो बना, गवर्नर बना, वो भी इंडियन बना है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं तो मानता हूँ। दुबई में मंदिर बन गया। हाँ, सबसे बड़ी बात ये तो आपने बताई, देखिए सबको पता है, याद नहीं आती है कि मुस्लिम कंट्री में मंदिर बन जाना, यहाँ राम मंदिर के ऊपर अपोज किया उन्होंने और वहाँ मुस्लिम कंट्री बना रहे हैं और उसका उद्घाटन करा रहे हैं, भाई कमाल की बात है। आप किस तरह से ले रहे हैं मोदी सरकार? ये मैं चाहूंगा, आपने जो सबसे पहले विष्णु जी से क्वेश्चन किया था कि केजरीवाल ने ये क्वेश्चन किया है 75 साल की उम्र वाला, तो ये इंडी गठबंधन और केजरीवाल की हताशा है। उनको पता है कि जब तक मोदी है हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे अभी आपने कहा इंडी गठबंधन, तो उनके स्पेलिंग जो है INDIA है ऐसा जी, मैं तो इंडी भी नहीं बोलना चाहता, टू बी वेरी फ्रेंक, आई एम वेरी मच एलर्जिक टू दिस टाइप ऑफ पीपल कि एक सब लोग मिलके एक को घेर रहे हो कि अपने कामों से आओ आगे, सब बड़े बड़े चोर हैं,
नाम लीजिए बिहार से लेके अखिलेश सबका, सब एक तरह के चोर जुड़े हुए हैं वहाँ पे। पहले एक दूसरे को गाली देते थे। इसका ये कहना है कि जो उधर भ्रष्टाचारी होते हैं अगर इधर आ जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं। देखिए ऐसा है कि वो उनके केस तो नहीं वापस लिए उन्होंने, जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है टीवी और उससे दबिशे बंद कर दी वगैरह। देखिए अब ये थोड़ा बहुत तो जहाँ तक ऐसे ले मैं समझता हूँ कि इतना थोड़ा बहुत तो चलता है, इसको कोई इसको इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कार्रवाई तो पूरी होती है। बीजेपी इस तरफ आ जाते हैं तो फिर वो सही नहीं नहीं सही नहीं होता है। नहीं नहीं कार्रवाई बिल्कुल नहीं रोकी जी, कार्रवाई चल रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है। देखिए ये उनकी अपनी कुछ एक जो राजनीतिक प्रणाली के तहत होता है। अब मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन या राजनीतिक तो हूँ नहीं, हम एज ए ले मैन में जो आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ वही ठीक है। ये उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए पर्सवाइज.com। नमस्कार।